तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे बाबा डक्कन बॉस से एंटीडोट लेने के लिए लॉस सैंटोस में आ गए थे और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को शेल्टर में ही छोड़कर डक्कन बॉस से एंटीडोट लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शेल्टर में पहले से ही एक गद्दार मौजूद था जो कि डक्कन बॉस को बाबा के आने के बारे में बता देता है। और फिर बाबा जैसे ही डक्कन बॉस के घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बाबा को मारने के लिए पहले से ही टाइम बॉम्ब लगे हुए थे, लेकिन बाबा किसी तरीके से यहाँ से बच जाते हैं। और इधर अंडरवाटर माफिया रॉड को गोली मारकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और बाबा जब शेल्टर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रॉड को गोली लग चुकी है और अंडरवाटर माफिया गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर ले गया है। और इतना सुनते ही बाबा फौरन अंडरवाटर माफिया के पीछे जाने लगते हैं। और अब आगे अरे ये क्या, अंडरवाटर माफिया तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर रोड के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन इसे कैसे पता चला कि बाबा इसके पीछे ही आ रहे हैं? लगता है शेल्टर में जो गद्दार है वो डक्कन बॉस के साथ साथ अंडरवाटर माफिया से भी मिला हुआ है। और तभी बाबा अंडरवाटर माफिया से कहते हैं कि देखो तुम जो कोई भी हो चुपचाप अपनी बंदूकें नीचे करो और मेरे लोगों को छोड़कर यहां से चले जाओ। बाबा की बात सुनकर अंडरवाटर माफिया सीना चौड़ा कर आगे आता है और बाबा के ऊपर बंदूक तान कर कहता है चलो अब तुम भी हाथ ऊपर करके घुटनों पर बैठ जाओ, अब इनके साथ साथ तुम भी मेरे साथ चलोगे। बाबा कहती है मुझे घुटनों पर बैठाना इतना आसान भी नहीं और अगर मैं अपनी पर आ गया तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाबा की बात सुनकर अंडरवाटर माफिया थोड़ा डर जाता है और पीछे हटकर गुल्ली के ऊपर बंदूक तान लेता है और कहता है कि चलो जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो वरना ये नीला वाला मारा जाएगा। गुल्ली की जान पर खतरा देखकर बाबा अंडरवाटर माफिया से कहते हैं ठीक है मैं हाथ ऊपर कर लेता हूँ। जरूर बाबा के दिमाग में कुछ चल रहा है क्योंकि बाबा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और तभी बाबा अंडरवाटर माफिया के सारे आदमियों को मार देते हैं और ये देखकर अंडरवाटर माफिया बाबा से बचकर यहाँ से भागने लगता है। बाबा भी फौरन अंडरवाटर माफिया के पीछे लग जाते हैं लेकिन अंडरवाटर माफिया बाबा से बचकर निकल जाता है। बाबा वापस गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा शेल्टर में रॉड के ऊपर गोली लग गई थी, हमें जल्दी रॉड के पास चलना होगा। बाबा कहते हैं हाँ गुल्ली मुझे ये बात मालूम है, चलो जल्दी पीछे से कोई गाड़ी उठा लो और मेरे पीछे आओ। बाबा की बात मानकर गुल्ली बुल्ली और शॉन पीछे गाड़ी लेने चले जाते हैं और फिर बाबा अपनी बाइक उठाकर शेल्टर की तरफ चल देते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी बाबा के पीछे आते हैं। थोड़ी देर में बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर शेल्टर पर पहुंच जाते हैं और शेल्टर के अंदर आते ही बाबा देखते हैं कि रॉड सामने टेबल पर लेटा हुआ है। बाबा शेल्टर के हेड ऑफिसर से पूछते हैं कि तुम अभी तक रॉड को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए। हेड ऑफिसर कहता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा हॉस्पिटल बचा होगा जहां पर रॉड का इलाज हो सके। बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं खुद ही रॉड का इलाज करूंगा। इतने में ही बाहर से एक सोल्जर भागता हुआ आता है और कहता है कि ज़ॉम्बीज ने फिर से शेल्टर पर हमला कर दिया है और इस बार ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा तादाद में हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग जाकर ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोको, तब तक मैं यहाँ पर रॉड का इलाज करता हूँ। ये सुनकर सारे लोग ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए बाहर चले जाते हैं।
और यहाँ बाबा ने अपने हाथ में एक चाकू ले लिया है और अब बाबा रॉड के अंदर से बंदूक की गोलियाँ निकालने वाले हैं। बाबा को थोड़ा संभल कर काम करना होगा क्योंकि अगर जरा भी ऊंच नीच हुई तो रॉड का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में बाबा रॉड के अंदर से दोनों बंदूक की गोलियां निकाल देते हैं। इतने में ही गुल्ली भागकर अंदर आता है और कहता है कि बाबा काम हुआ या नहीं, बाहर ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज्यादा तादाद में हैं, अब उन्हें रोकना नामुमकिन है। ये सुनते ही बाबा पास में रखी हुई आरपीजी उठा लेते हैं और अब शायद बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करने वाले हैं। सारे ज़ॉम्बीज बाबा के हाथों मारे जाते हैं। और फिर गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा हम कब तक ऐसे ही ज़ॉम्बीज से लड़ते रहेंगे, हमें जल्दी ज़ॉम्बीज का एंटीडोट हासिल करना होगा। और बुल्ली बोला, बाबा आप तो डक्कन बॉस से ज़ॉम्बीज का एंटीडोट लेने गए थे, फिर क्या आप एंटीडोट ले आए हैं? बाबा कहते हैं, नहीं बुल्ली, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही डक्कन बॉस वहाँ से भाग गया था, इसीलिए मेरे हाथ एंटीडोट नहीं लगा। अभी गुल्ली बुल्ली और बाबा की ये बातें चल ही रही थी कि तभी एक सोल्जर यहाँ से जाने लगता है। बाबा जब उस सोल्जर को यहाँ से जाता हुआ देखते हैं तो बाबा को उसके ऊपर शक होने लगता है और बाबा सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा चुपचाप सोल्जर का पीछा करते हैं क्योंकि बाबा को शक है कि यही वो गद्दार है जिसने डक्कन बॉस को बाबा के आने की खबर दी होगी। इधर ये गद्दार सोल्जर एक किनारे पर आ जाता है और अपना फोन निकाल कर किसी को फोन लगाने लगता है। जरूर ये डक्कन बॉस को ही फोन लगा रहा होगा। और बाबा का शक बिल्कुल सही निकला क्योंकि ये डक्कन बॉस को बता रहा है कि बाबा अभी भी जिंदा हैं। बाबा चुपचाप पीछे से आते हैं और सोल्जर के सर पर मारते हैं जिससे ये सोल्जर यहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर बाबा इस गद्दार सोल्जर को घसीट कर सबके सामने लाते हैं। और कहते हैं कि यही है वो गद्दार जो हमारी सारी जानकारी डक्कन बॉस तक पहुंचा रहा था। बाबा की बात पर हेड ऑफिसर को बिल्कुल यकीन नहीं होता और हेड ऑफिसर बाबा से कहता है कि जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है क्योंकि ये हमारा बहुत ही पुराना और भरोसेमंद आदमी है, ये गद्दार नहीं हो सकता। तभी गुल्ली कहता है कि अगर बाबा कह रहे हैं कि ये गद्दार है तो जरूर ये ही गद्दार होगा, हम लोगों को बाबा पर पूरा भरोसा है। लेकिन हेड ऑफिसर बाबा की बात मानने को तैयार नहीं। इतने में ही ये गद्दार सोल्जर होश में आ जाता है और तभी बाबा अपनी पिस्तौल निकालते हैं और गद्दार सोल्जर के सर पर तान देते हैं और कहते हैं कि अगर अब तुमने सच नहीं बोला तो ये सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। लेकिन सोल्जर कुछ नहीं कहता। तभी बाबा सोल्जर के पास जमीन पर फायर करते हैं जिससे डर कर सोल्जर सब सच बता देता है कि हाँ मैं ही गद्दार हूँ जो डक्कन बॉस को सारी जानकारी पहुँचा रहा था। बाबा कहते हैं कि चलो फिर अब जल्दी से बताओ कि डक्कन बॉस कहाँ पर है ताकि मैं अभी जाकर उससे एंटीडोट ले सकूं। सोल्जर बताता है कि डक्कन बॉस शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पर है, लेकिन तुम लोग वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि डक्कन बॉस के आइलैंड पर उसकी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हेड ऑफिसर जब सोल्जर की ये बातें सुनता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि उसका ये सोल्जर गद्दार है। और फिर हेड ऑफिसर बाबा से कहता है कि पीछे हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है जिससे हम बहुत ही जल्दी डक्कन आइलैंड पर पहुँच सकते हैं। बाबा कहते हैं, तो फिर देर किस बात की है, चलो जल्दी से चलकर डक्कन बॉस से एंटीडोट ले लेते हैं।
और फिर सारे लोग हेलीकॉप्टर पर बैठकर डगन आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर समुद्र में इधर उधर ढूंढने के बाद बाबा को सामने एक आइलैंड दिख जाता है। बाबा हेड ऑफिसर से कहती हैं कि शायद यही वो आइलैंड है जहां पर डक्कन बॉस छुप कर बैठा है, और बाबा हेड ऑफिसर से हेलीकॉप्टर ऊपर लेने को कहती हैं, क्योंकि जैसा उस गद्दार सोल्जर ने बताया था कि आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, तो अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने हेलीकॉप्टर को देख लिया तो कहीं वो हेलीकॉप्टर को हवा में ही ब्लास्ट न कर दें। और फिर बाबा हेड ऑफिसर से हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर लेने के लिए कहते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर आता है, बाबा हेलीकॉप्टर से रस्सी डालकर सीधे बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती कि बाबा इस आइलैंड पर आ चुके हैं। बाबा आसपास देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे गार्ड्स हैं। बाबा छत से सीधे बिल्डिंग की बालकनी पर आ जाती हैं। बालकनी पर आते ही बाबा के सामने एक गार्ड खड़ा है। बाबा चुपचाप पीछे से आती हैं और इस गार्ड को यहीं पर ढेर कर देती हैं। और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही बाबा को एक और गार्ड दिखाई देता है। बाबा इस गार्ड को भी बड़ी ही आसानी से ढेर कर देती हैं। और फिर बाबा सीढ़ियों से नीचे आते हैं। नीचे आते ही बाबा को सामने डक्कन बॉस बैठा हुआ दिख जाता है। बाबा पास आकर डक्कन बॉस के ऊपर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि चुपचाप मुझे एंटीडोट दे दो, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बाबा की आवाज सुनते ही डक्कन बॉस खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर बाबा से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। वहाँ टेबल पर एंटीडोट का सैंपल रखा हुआ है, उसे ले लो और मुझे छोड़ दो। बाबा फौरन एंटीडोट का सैंपल उठा लेते हैं। और फिर डक्कन बॉस बाबा से कहता है कि तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि बाहर मेरी पूरी फौज इंतजार कर रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पर गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी का गेम आ चुका है। अभी जाकर गेम डाउनलोड करें और कमेंट में बताएं कि ये गेम आपको कैसा लगा। और फिर हेड ऑफिसर हेलीकॉप्टर को लैंड करता है और बाबा फौरन हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं। बाबा के बैठते ही हेड ऑफिसर हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाता है। और फिर सारे लोग वापस से शेल्टर में आ जाते हैं और बाबा एंटीडोट का सैंपल हेड ऑफिसर को दे देते हैं और कहते हैं कि इसके और सैंपल बनवा कर पूरे शहर में छुड़वा दो, बहुत ही जल्दी सारे लोग ज़ॉम्बी से इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।